बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। मोबाइल के मुतल्लिक मैं एक बात बोलूँगा जी, ये कुछ वाकया यूँ पेश आया तमाम परदेसी भाइयों के लिए भी लाजम है। ये मोबाइल है ठीक है जी मेरे पास। अच्छा आपने करना क्या, होता क्या है अक्सर अक्सर अक्सर, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, हमारे सामने वाकया पेश भाई, गुजरात का था, जट था, तो मोबाइल था उसके पास, उसको हमने क्या, अभी दोस्त ने एक ने ले लिया उससे, बाद में वो बोलता है यार मुझे वापस कर दो यार मेरा गुजारा नहीं होता है, तो मोबाइल वापस मांगने लग गया। तो उसने बोला भाई ये पकड़ अपना मोबाइल, पहले दे दिया अभी वापस मांगने लग गया। तो उसको एक दो बातें ऐसी और की, गुस्सा चढ़ गया, उसने मोबाइल ऐसे ज़मीन के ऊपर मारा और मोबाइल बिखर गया, सारा मोबाइल ही तोड़ दिया। अच्छा बंदों को गुस्सा आ जाता है यार, इसमें कोई मैं नहीं बोलता कि ये अमल गलत है ये सही है, नुकसान तो अपना ही है, लेकिन गुस्सा आ जाता है बंदों को इसमें। अभी बहस में बहस वाली तो बात ही नहीं है, न्यूज़ के मुतल्लिक बात करते हैं जी। हुआ कुछ यूँ कि एक बंदे ने 400 रियाल का मोबाइल लिया, 400 रियाल का मोबाइल लिया। अच्छा इसमें आप यूज़ेबल मोबाइल था, इसमें आप कोई भी मॉडल क्लियर नहीं किया गया है। ये वाक़या पेश आया जी, आपको इस वाक़े के मुतल्लिक बताने लगा हूँ और तमाम परदेसी भाइयों को आगाह करने लगा हूँ कि यार ये गलती मत कीजिएगा वरना 5000 रियाल का फ़ाइन है। अच्छा इन भाई साहब के ऊपर हुआ भी, अच्छा 400 रियाल का मोबाइल लिया है, मोबाइल चला एक दिन दो दिन तीन दिन, बाद में वो जो भी उसमें सिस्टम में प्रॉब्लम आई वो शॉप वाले के पास पहुँचा, दुकान वाले के पास, उसने बोला कि भाई ये मोबाइल तूने मुझको दिया 400 रियाल का ये ख़राब है। उसने बोला कि भाई देखे मैं किसी माहर यानी कि जो मोबाइल ठीक करते हैं इधर पास बैठा हुआ या किसी और को दिखाता हूँ, अगर तो मोबाइल में कोई किसी किस्म की ख़राबी हुई तो फिर आपका मोबाइल आपको मैं रिपेयर करवा दूँगा, कोई मुश्किल नहीं, अगर ना हुई तो फिर मोबाइल हम रिपेयर नहीं करवाएंगे, ये मोबाइल आप ही का है ठीक है जी। उसने बोला जी नहीं जी किसी को चेक नहीं करवाना ये है ही ख़राब। उसने बोला ऐसे कैसे पता चलेगा, उसने ऐसे बहस हुई है, उस जो ग्राहक था ना उसने मोबाइल पकड़ा उसके काउंटर के ऊपर मारा है ठीक है जी, उसके काउंटर के ऊपर लैपटॉप पकड़ पड़ा हुआ था उसको उठाकर उधर फेंका है, उसको गालम गलोच किया है, मोबाइल अपना काउंटर के ऊपर मारा है, मोबाइल भी अपना तोड़, अपना मोबाइल भी ख़राब, उसका काउंटर का शीशा भी तोड़ दिया। और उस बंदे ने फिर दौरियत को कॉल की और दौरियत वाले यानी कि 999 या 911 के ऊपर, और दौरियत वाले वहाँ पर पहुँचे फ़ौरन और मामले का सभी जो भी छानबीन करनी थी वो की। उसके बाद वो जो ग्राहक था जिसने 400 रियाल का मोबाइल लिया है उसके ऊपर भाई 5000 रियाल का ग्रामा कर दिया गया है। हाँ भी किस चीज़ का, इस चीज़ का कि तूने इसके साथ बदतमीजी की है, इसका लैपटॉप नीचे गिरवाया गिराया, इसको गालम गलोच की है और इसका शीशा तोड़ा है, इस चीज़ के 5000 रियाल ग्रामा निकालो। उस बंदे को तो 400 रियाल वाला मोबाइल 5000 में भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ 5400 रियाल में पड़ गया। तो तमाम परदेसी भाई किसी शॉप वगैरह से मोबाइल लें तो भाई वहीं से टेस्ट कर लीजिएगा, अगर वापस वगैरह गारंटी वगैरह हो तो करना चाहिए, तो बदतमीजी ना कीजिएगा। हाँ दुकान वाला आपसे करे तो फिर आप कॉल कीजिएगा।